बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर खुश आमदी। आज का मेरा टॉपिक है साइको एनालिटिकल थेरेपी, योंग्स थेरेप्यूटिक टेक्निक। ठीक है, योंग को आज हम पढ़ेंगे। इसके असाइनमेंट जो है रेडी की हुई नोट्स, वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। आई होप यू विल लाइक इट। और प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक किया करें और शेयर किया करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। योंग्स थेरेप्यूटिक टेक्निक, एनालिटिकल थेरेपी। कैरल योंग, 1875 टू 1961 इनका टाइम पीरियड है। कैरल योंग डिवेलप्ड हिज ओन सिस्टम ऑफ साइकोडाइनामिक थेरेपी आफ्टर हिज ब्रेक फ्रॉम फ्राइड एंड साइको एनालिसिस। His psychotherapy is labeled as analytical psychotherapy. Jung's theory. Jung agreed with Freud that unconscious mechanisms are behind mental processes. There are marked differences between the Freud psychoanalysis and that of Jung's psychoanalytical therapy due to the fact that Jung disagreed with Freud on theoretical matters. Difference between Jung and Freud's therapeutic techniques. बहुत important है ये, इसके ऊपर topic अलग से आ जाता होता है। ठीक है, ठीक है। Jung emphasized the importance of social and cultural factors in psychopathology. Psychopathology में जो Jung है उसने importance दी थी social and cultural factors को, और Freud ने किसको दी थी? But Freud in psychoanalysis pay more attention to sexual urges. फ्राइड ने जो है वो सेक्सुअल अर्जेस को इम्पोर्टेंस दी थी। ठीक है, ये इनका डिफर करते थे आपस में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योंग, लिबिडो इज अ लाइफ फोर्स एम्फसाइजिंग ऑल लाइफ गिविंग एनर्जीज। इन योंग साइकोथेरेपी द थेरेपिस्ट ओनली डिस्कस सेक्सुअल मैटर्स इफ दे वर कंसिडर टू बी इम्पॉर्टेंट इन अ पर्टिकुलर केस। ठीक है, अब फ्राइड क्या कहता है इस बारे में, सेक्सुअल मैटर्स के बारे में? सेक्सुअल मैटर्स को इसने डिस्कस किया था। इन योंग्स साइकोथेरेपी द थेरेपिस्ट ओनली डिस्कस सेक्सुअल मैटर्स इफ दे वर कंसिडर टू बी इम्पॉर्टेंट इन अ पर्टिकुलर केस। अगर इम्पॉर्टेंट होते थे तब सेक्सुअल मैटर्स जो है वो डिस्कस किए जा सकते थे, अदरवाइज नो। ओके, इन फ्राइड्स साइको एनालिसिस इट इज परसिस्टेड इन एनी केस अनटिल द पेशेंट टॉक्ड अबाउट हिज और हर सेक्सुअल डिवेलपमेंट इन चाइल्डहुड। ठीक है, इसमें उसने कहा था कि ये बहुत ज़रूरी है कि सेक्सुअल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड कैसे हुई उसके बारे में एनालिसिस करना, पता चलाना कि पेशेंट इस बारे में बात करे। ठीक है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था। अकॉर्डिंग टू योंग, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लोर डीपर मीनिंग्स ऑफ ड्रीम्स। अब योंग ने ट्रांसफेरेंस को क्या कहा था? ट्रांसफेरेंस इज रिकग्नाइज्ड एज इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन इन योंगियन थेरेपी एज कम्पेयर टू फ्राइड्स साइको एनालिसिस। अब फ्राइड क्या कहता है? इन साइको एनालिसिस ट्रांसफेरेंस इज रिगार्ड एज अ टेक्निक ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लाइंट्स बिहेवियर रादर दैन अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। अब योंग क्या कहता है? इन योंग्स एनालिटिकल थेरेपी पेशेंट सिट फेस टू फेस एंड अ कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अ थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट इज इनकरेज्ड। ठीक है, योंग ने कहा था कि फेस टू फेस जो है वो कनेक्शन, कोलैबोरेशन जो है वो फेस टू फेस को इसने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। और जो फ्राइड है उसने कहा था बिहाइंड द काउच, उसने काउच के पीछे कहा था कि आप पेशेंट के पीछे खड़े होकर जो एनालिसिस करने वाला है वो पीछे खड़ा होगा। ठीक है, ये उसके जो होगा डिफरेंस होगा। ठीक है, एनालिटिकल थेरेपी इज़ अ फ्लेक्सिबल टेक्निक ऑफ साइकोपैथोलॉजी इन विच मेथड्स आर वेरीड टू मैच द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स नीड्स। जी, थेरेप्यूटिक गोल्स। द हाइस्ट गोल ऑफ योंग्स analytical treatment is to discover all the aspects of oneself and one's creative potential. Fully developing all of one's unconscious capacity in the end result of a key process known as individuation. Jung viewed individuation as an innate creative force that implies us toward achieving wholeness.
नेक्स्ट पॉइंट है जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. इन वर्ड एसोसिएशन टेस्ट अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स इज प्रेजेंटेड ओरली वन वर्ड एट अ टाइम टू द सब्जेक्ट हु रिस्पॉन्ड्स विद द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू माइंड. पीपल वेरी वाइडली इन रिस्पॉन्सेज टू द वर्ड्स एंड इन देयर रिएक्शन टाइम्स. Young's experimentation with word association led him to conclude that the WAT, yani word association test, results had little to do with a subject's general intelligence, but had much to do with his or her emotional reactions. According to Young, neurotic patients gave unusual responses to standard stimulus words. For example, a patient who showed long reaction times or gave unusual responses associations to words like fail, shame, self, hate, and in analytical psychotherapy, as in psychoanalysis, uncovering hidden emotionally significant material in a central clinical activity, encompassing both assessment and therapy. Young's WAT association test served both purposes. In addition to employing it for gathering essential assessment data, he also used the technique in therapy as a quick way of gaining access to repressed material. The collective unconscious. Young broadened the concept of unconscious, not just the material repressed by an individual, it also includes collective unconscious. Collective unconscious containing the entire spectrum of images and archetypes that are common to all humans. The archetypes are inborn predispositions to perceive, think, and behave in certain way. ये आर्किटाइप्स की डेफिनेशन है, इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है. शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाती होती है. दे आर नॉट डायरेक्टली ओपन टू अवेयरनेस बट कैन बी ऑब्जर्व इनडायरेक्टली इन द कॉमन थीम्स ऑफ एक्ट एंड फोकलोर. सम आर्किटाइप्स टेक द फॉर्म ऑफ ह्यूमन रोल्स सच एज हीरो, द ग्रेट मदर एंड द वाइज ओल्ड मैन. Others are blueprints for personality development. The persona, the shadow, the anima animus, and the self. Next, our point is introversion and extroversion. According to Jung, individuals' general orientation to the outside world is an important concept. Two major orientations represent two major personality types, the introvert and the extrovert. Introverts. Introverts are inner-directed and inward-looking. Introverted is associated with schizophrenia, largely marked by withdrawal from social contact and preoccupation with the inner world of fantasy and imagination. Now, what is extroversion? Extroversion are outward-looking and outgoing. Extroversion is associated with hysteria, largely marked by exaggerated emotionality and lack of interest in insightful self-exploration. Next hai ji hamare paas four important personality attributes jo Jung ne di thi. Jung postulated four additional personality attributes, each representing a way of relating to the world. First is sensation, second is thinking, third feeling, and fourth is intuition. First hai ji sensation refers to experiencing stimuli without evaluating or judging them. Second pe hai thinking involves interpreting stimuli through reasoning and logic. Third hai ji feelings means attaching emotional values to stimuli. Fourth pe intuition, intuiting going beyond the immediate. Development of MBTI, Myers-Briggs type indicator, developed in 1943.
MBTI, a self-report personality questionnaire based on Jung's personality constructs. MBTI was developed by Isabel Briggs Myers in Pennsylvania personal office. Her interest in Jungian personality typology was inspired by her mother, Catherine Briggs. Now there is Jung's therapeutic techniques. Jung ki jo therapeutic techniques hain, wo hum padhenge thodi si. It is difficult to give a precise description of Jung's technique of analytical psychopathology for two reasons. Firstly, he based his method on Freudian psychoanalysis. Jung disagreed with Freud chiefly on theoretical basis, not on the technique of treatment. Secondly, Jung believed that the beauty of his method was the avoidance of any set procedures. क्योंकि फ्राइड ने जो है वो एक मैकेनिज्म दिया था कि जी इनके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, लेकिन जो जोंग है वो इस चीज़ पे डिफर करता था. वो कहता था कि जी कोई सेट प्रोसीजर्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए. ठीक है, हिज मेथड वाज अवॉइडेंस ऑफ एनी सेट प्रोसीजर्स. ठीक है, और जो फ्राइड था वो सेट प्रोसीजर्स यूज़ करता था. टिपिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे हम. Jung cited three main classes of problems requiring treatment. First is repression of important desires and memories that needed to be recovered and expressed. Second is failure to accept and integrate into one's lifestyle certain types of thinking and behaving derived from archetypes. Third one is neglect of underdeveloped aspects of personality. For example, extreme case of introversion or extroversion. Next, हमारा इसमें टॉपिक है intermediate techniques. ठीक है, several intermediate techniques could be used to help patients relating to above mentioned problems. पीछे जो हम problems mention कर चुके हैं ना, उसके बारे में बात की जा रही है. ठीक है, Jung's choice of intermediate technique reflects some of his theoretical disagreement with Freud. He viewed neurotic symptoms and dreams not simply as representatives of repressed conflicts, but as signs of an effort to solve problems. Once such clues have been identified, re-education can be used to help patients develop neglected aspects of their functioning. Interpretation. Interpretation, especially of dreams, is essential because it is impossible for patients to understand their behavior fully on their own initiative. Expertise. Expertise in the symbolism of archetypes is necessary. Dreams are not simply symbols of repressed desires, but illustrate the creative workings of the unconscious in attempting to make up for failure to express hidden potentials in working life. Jung used free association through the structured format of the word association test. Identifying complexes by finding patterns in words producing slow or unusual responses. Jung believed that therapists are most helpful when they react naturally to patients. Therapists' reactions help patients understand their own. Finally, Jung devised the technique of picture making, in which patients draw or paint themes and images from their dreams. By turning passive collection into realistic creative act, patients can elaborate the themes fully and experience them more vividly. Now we will discuss applications. Jung did not recommend his technique for everyone. A striking feature of Jung's analytical therapy is that
इट स्ट्रेसेस द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ह्यूमन माइथोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी. कल्चरल डिफरेंसेस आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ यंग्स थेरेपी. तो ये थी हमारी थेरेपी प्लस थ्योरी. ठीक है, यंग के बारे में आई होप यू लाइक द इंफॉर्मेशन. आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने एक असाइनमेंट में देने की कोशिश की है. ठीक है, आप उसको जो पर्सोना और एनिमानिमस शेडो और सेल्फ है उसको भी एलैबोरेट करना चाहें तो कर सकते हैं, बल्कि आपको करना चाहिए. ठीक है, एक एक लाइन में आप उसको एलैबोरेट कर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. और बाकी इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है. ठीक है, आपके लिए तो आप अपनी असाइनमेंट आसानी से बना सकते हैं, नोट्सेस बना सकते हैं. ठीक है, मैंने अपलोड कर दिए, उर्दू में भी अपलोड किए हुए हैं. तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके जो है वो थेरेपीज थ्योरीज जो है उनमें जाके सर्च कर सकते हैं. ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक किए करें वीडियोस और शेयर करें. और इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.